1984 में हुए मामले में सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा। आपको बता दें, कोर्ट ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर को सरेंडर करने को कहा। वहीं कोर्ट ने सज्जन कुमार की ओर से की गई सरेंडर की समय सीमा बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने जब सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी तो उस दौरान सज्जन कुमार को बड़ा झटका लगा था। आपको बता दें, बीते दिनों इस मामले में सुनवाई हुई थी जिसमें सज्जन कुमार को दोषी पाया गया था। वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में बाकी 5 दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया था, जिनमें बलवान खोखर, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल को उम्र कैद, जबकि महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा 3 से 10 साल बढ़ा दी थी। वहीं अगर बात करें सज्जन कुमार की, तो कोर्ट ने सज्जन कुमार पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में जब फैसला सुनाया था, उसके बाद अकाली दल के नेता विक्रम सिंह बजीटिया ने कोर्ट के फैसले को सही बताया था। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।